अस्सलामुअलैकुम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, तो नहायत करीम और रहीम है। दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की न्यूज़ हेडलाइन और कोरोना की अपडेट्स। इमराती रियासत ने नए साल का शानदार तोहफा दे दिया। ट्रैफिक जुर्मानों की माफ़ी की स्कीम की मुदत में इजाफा कर दिया। हराम अज्जा पर मुस्तमर कोरोना वैक्सीन का इस्तेमाल मुसलमानों के लिए जायज़ है। इमराती फतवा कौंसिल ने फतवा दे दिया। इमराती एयरलाइन ने टिकट रिफंड का अमल शुरू कर दिया। दुबई में यतीम बच्चों के पैसा पर राज करने वाला चाचा बिल आखिर पकड़ा गया। अदालत ने सख्त सजा सुना दी। इमराती अदालत ने अवामी मकामात पर लोगों की बेइज्जती करने वाले सरकारी अफसरान को सजा सुना दी। दुबई और शारजा के दरमियान दो बस रूट को बहाल करने का ऐलान कर दिया गया। अगर किसी गाड़ी से पिल्टोर या इंजन ऑयल लीक हुआ, किसी जानवर परिंदे को नुकसान पहुंचाया, शिकार किए या पकड़ लिया, तो संगीन अटैच के लिए तैयार हैं। इमराती हकाम की वार्निंग। दुबई में फैजर कोरोना वैक्सीन 5 मराकज से हासिल की जा सकती है। दुबई में किरायादारों के लिए बड़ी खबर, मखसूस अपार्टमेंट के किरायों में बहुत बड़ी कमी हो गई। जुमेरात के रोज भी अल्लाह का करम हो गया, तीसरे रोज भी सैलाबियों में मुसलसल इजाफा। मुत्तहिदा अरब अमीरात में कोरोना वायरस के नए केस का ऐलान, वीडियो के एंड पे मुलाजा फरमाएं। जानिए न्यूज की तफसील, लेकिन उससे पहले वो दोस्तों चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मुत्तहिदा अरब अमीरात में योम वतनी के मौके पर कई रियासतों ने ट्रैफिक जुर्मानों में बड़ी रियायत का ऐलान किया था, जिससे हजारों अफराद ने फायदा उठाया। अब इमराती रियासत रियासत खैमा ने नए साल की खुशी में भी लोगों को शानदार तोहफा दे दिया। इमराती पुलिस ने ऐलान किया कि नए साल के मौके पर ट्रैफिक जुर्मानों में रियायत की स्कीम की मुदत में इजाफा कर दिया गया। रियासत खैमा में मुकीम अफराद की जानिब से दरख्वास्त और ख्वाहिश दायर की गई कि ट्रैफिक जुर्मानों को 50% रियायत की स्कीम की मुदत में इजाफा कर दिया जाए। कम्यूनिटी की ख्वाहिश दायर के एहतराम करते हुए अब इस स्कीम को 2 जनवरी 2021 तक जारी रखा जाएगा। दुनिया भर में गुज़िश्ता कई दिनों से ये बातें सामने आई थी कि कोरोना के इलाज के लिए तैयार की वैक्सीन हराम अशिया से तैयार की जा रही है, जिसके बाद वैक्सीन के इस्तेमाल करने या ना करने पर बहस छिल गई थी। मुत्तहिदा अरब अमीरात के फतवा कौंसिल ने करार दे दिया कि गैर हलाल अज़ा से तैयार करता कोरोना वायरस वैक्सीन का इस्तेमाल मुसलमानों के लिए इस्तेमाल जायज़ है। अतीक कौंसिल ने ये फतवा कोरोना वायरस की वैक्सीन में शामिल अज़ा के बारे में मुसलमानों के तफजात के पेश नज़र जारी किया। अल अरबिया न्यूज़ के मुताबिक इस वैक्सीन के बारे में कहा जा रहा था कि इसमें सूर की चर्बी या गोश्त के अज़ा शामिल हैं, इस बुनियाद पर इसका मुसलमानों के लिए इस्तेमाल जायज़। कौंसिल ने कहा कि कोरोना वैक्सीन लोगों की जानों के तहफ़ के इस्तेमाल करने में आने वाली इतवाइयात में शामिल है। इस्लामी अकीदे के मुताबिक वबाई इमराज के वक्त ऐसी इतवाई का इस्तेमाल जायज़ है, ताकि किसी एक मुतासर शख्स से पूरा माशरा ही वबाई मल से दो चाल ना हो जाए। हराम अज़ा पर मुसम्मर वैक्सीनों के इस्तेमाल की इस्लाम में मुआमनियत है, लेकिन अगर कोई मुतवातर मौजूद ना हो तो ऐसी वैक्सीन का इस्तेमाल ममनू नहीं है। UAE की सरकारी खबर रसा एजेंसी वाम ने कौंसिल का यह बयान नकर किया। कोर्ट नवीन के वबाई मर्ज को ये एक फल से दूसरे फल में मुंतकल हो सकता है, इससे हज़ारों अफराद की जिंदगी खतरा से दो चार हो सकती हैं, इसलिए ऐसी वैक्सीनों का इस्तेमाल काबिल कबूर है। वाज़ह है कि दुबई ने आज बुध से शहरी मकीनों को कोरोना वैक्सीन की मुफ्त लगाने का आगाज़ किया। इस मुहिम के दौरान अमरीका की दवासाज कंपनी फेवर, जर्मनी कंपनी बायोटेक की स्टॉक से तैयार की वैक्सीन दुबई में मुकीम अफराद को मुफ्त लगाई जा रही है। बाद कंपनियों ने सूर के गोश्त से हासिल करता चीन से पाक वैक्सीन तैयार करने की कोशिश की है। स्विट्जरलैंड की दवा साज कंपनी नोट ने इससे पाक एक वैक्सीन तैयार की है। सऊदी अरब और मलेशिया की दवा साज कंपनी जे फर्म भी ऐसी एक वैक्सीन तैयार कर रही हैं। अमेरिका की दवा साज कंपनी फायर और मॉडर्न बरतानिया स्टेरिया रिंग के तर्जमान हजरात ये कह चुके हैं कि इनकी तैयार करता COVID-19 की वैक्सीनों में सूर की गोश्त से बनी मसनूआत को शामिल नहीं किया गया, लेकिन फिर वक्त इन कंपनियों की मुस्लिम ममालक को मुहैया की जाने वाली वैक्सीनों की खेपों के साथ जेनेटिक के अमन इस्टाम का सर्टिफिकेट शामिल नहीं होगा। मुसलमानों के अलावा अथीको यूथ भी सूर के कोस से बनी मसनूआत को इस्तेमाल नहीं करते, वो भी इन्हें नापाक और हराम समझते हैं। इनका कहना है कि नई वैक्सीनों की तैयारी में सूर की जैली वगैरह यूज़ नहीं की गई। इमराती एयरलाइन ने इतिहाद एयर ने 1 अक्टूबर और उसके बाद बुक करवाई जाने वाली टिकटों के रिफंड का प्रोसेस शुरू कर दिया है।
इस मकसद के लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं। सिर्फ इन्हीं मुसाफरों को टिकट की रकम वापस की जाएगी जिनकी फ्लाइट मनसूख हो गई थी। मुसाफरों को कोरोना PCR टेस्ट पॉजिटिव आ गया था या हुकूमत की जानब से मुआनियत या सफरी पाबंदी की बायस सफ़र मुमकिन ना हो सका था। इतिहाद एयर का कहना है कि इसकी जानब से हालिया बुकिंग करवाने वालों के लिए लचकदार ऑपरेशन दी गई है। इतिहाद एयर का कहना है कि नवंबर के शुरू में फजाई कंपनियों के तंजीमी ढांचे में अहम तब्दीलियाँ की गई हैं, जिसके बाद कोरोना वबा के बाद आर्मी सतह पर एविएशन सेक्टर को पेश आने वाले चैलेंज से निपटने में मदद मिलेगी। नई तब्दीलियों के तहत दरमियाने और बड़े सियाज के जहाज चलाए जा रहे हैं जिनमें ज़्यादा मुसाफरों के बैठने की गुंजाइश रखी गई है। मुत्तहिदा अरब अमीरात में बदीचों के पैसों का गलत इस्तेमाल करने वाले चाचा पर जुर्माना ऐद कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक शारजा कोर्ट ने एक ऐसे शख्स पर जुर्माना ऐद किया जिसने अपने भाई के इंतकाल के बाद दो नाबालिग बदीचों की रकम का गलत इस्तेमाल किया। मजकूरा शख्स ने बदीचों के पैसों का गलत इस्तेमाल किया बच्चों की कानूनी सरपरस्ती की आड़ में किया। मुतासरा बच्चों की वालदा ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। मेरे बेटों के बैंक अकाउंट से रकम निकाली गई है। इन्होंने कहा कि बच्चों के बैंक अकाउंट में 1 मिलियन दरम तक की रकम मौजूद थी। रकम निकालने का शक फौरी तौर पर बच्चों के चाचा पर किया क्योंकि वो भाई के इंतकाल के बाद इनके फंड को देख रहा था। बच्चों की वालदा ने बताया कि इनके चाचा बच्चों के बालिग होने तक के कानूनी सरपरस्त की हैसियत से तैनात थे। दोनों बच्चों को मरहूम वाले की जानब से 2 मिलियन दरम से ज़्यादा की रकम वलसे में मिली थी। ये रकम इनके बैंक अकाउंट में मौजूद थी जिसको इसके चाचा देख रहे थे। इसी तरह शारजा क्रिमिनल कोर्ट ने खरीची बाशिंदे को 6 माह जेल की सजा सुनाई है। अदालत ने मुलजम को 3 इल्जाम पर सजा सुनाई। अदालत ने सरकारी अफसर को एक शख्स को अवामी मुकाम पर गिरफ्तारी के वक्त बेइज्जती करने पर सजा सुनाई। सरकारी अदाल पर मुलजम को गिरफ्तार करते वक्त तसलसल करने, बेइज्जत करने और गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार करने का इल्ज़ाम ऐद किया गया था। अदम सबूत की बुना पर दीगर इल्जाम में रहा कल दिए गए और इन इल्जाम में लोगों को धमकियां देना, जिंदगियों की खतरा बनना, जुर्म करना, तशद्दुद करना और स्टार करने के इल्जाम थे। RTA ने इतवार से दुबई और शारजा के दरमियान 2 बस रूट को बहाल करने का ऐलान कर दिया। तफसीलात के मुताबिक दुबई रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और शारजा की रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने बैमी रजामंदी से इमालतियों के मबीन 2 इंटरसिटी बस रूट को 27 दिसंबर से दोबारा शुरू करने का ऐलान किया। पैरा रूट 3306 है। इस रूट पर बसें अरखैबा बस डिपू दुबई से सफ़र का आगाज़ करेंगी जबकि अरमुजा से होते हुए शारजा के अलजबर बस स्टेशन पर अख्ताम पजीर होंगी। इस रूट पर 6 डबल डेकर बसें चलेंगी जो 20 मिनट में सफ़र मुकम्मल करेंगी। दूसरे रूट E307 पर भी 6 बसें चलेंगी। बसें डेरा सिटी सेंटर बस स्टेशन दुबई से सफ़र शुरू करेंगी और अल इतिहाद रोड से गुजरती हुई अलजबर बस स्टेशन जाएंगी। इस रूट का दुरानिया भी बस 20 मिनट पर मुस्तमर होगा जबकि रोज़ाना 1500 मुसाफर इस पर सफ़र कर सकेंगे। RTA 27 सितंबर से 2 दीगर रूट्स को भी बाहर करेगा। RTA ने कोरोना वबाई अमराज के फैलाव से निपटने के लिए तमाम एहतियाती तदबीर पर अमल करने पर जोर दिया। ने मुसाफरों से गुजारा किया कि वह एहतियाती तदबीर पर अमल पैरा करें और जिस्मानी फैसला बरकरार रखें। अरब अमीरात में माहौल की आलूदगी को रोकने के लिए सख्त कानून बनाने के लिए हैं जिनके मुताबिक अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है और इन पर इतने भारी जुर्माने भी आयद होते हैं कि ऐंदा कोई ऐसी हरकत करने से पहले 100 बार सोचता है। इमराती शारजा की जानब से ऐलान किया कि इमारत में किसी जानवर का शिकार करना या इससे नुकसान पहुँचाना या कैद करना बड़ा जुर्म है। अगर कोई शख्स ऐसी हरकत करता पाया तो इस पर 1000 दरम का जुर्माना ऐद होगा तो पाकिस्तानी 42,000 रुपये से ज़ायद की रकम बनती है। इसी तरह अगर किसी शख्स की गाड़ी से पेट्रोल या इंजन ऑयल लीक होता नजर आया, कोई सब्जियाँ उगाने या सनती मकसद के लिए गंदे पानी का इस्तेमाल करता पाया गया तो इस पर 50,000 दरम तक का जुर्माना ऐद किया जाएगा। मुरवती रुतकी का नुकसान पहुँचाने वाले पर भी 10,000 दरम का जुर्माना होगा। अगर कोई शख्स सड़क पार करने या किसी मकाम पर फालतू जानवर को खुला जोल देता है तो इसे 1,000 दरम तक का जुर्माना भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। दुबई में फाइजर वैक्सीन और कोरोना की वैक्सीन लगवाने के लिए 800342 पे कॉल करके अपॉइंटमेंट ली जा सकती है और दुबई में ये 5 मज़ेर मकामात हैं जहां से ये कोरोना की वैक्सीन लगवाई जा सकती है। नादर अल हमर हेल्थ सेंटर, अलबुशा हेल्थ सेंटर, अल मुजब्बर हेल्थ सेंटर, जहवीर हेल्थ सेंटर, अपटाउन मलदूफ हेल्थ सेंटर। दुबई में कोरोना वबा के दौरान हज़ारों अफराद अपने वतन को वापस चले गए जिनके पैर बहुत से आम रक्सरी अपॉइंटमेंट इस वक्त खाली पड़े हैं। दीगर इमाराती रियासतों में मुकीम जो अफराद दुबई रिहायश करना चाहते हैं इनके लिए कम किराओं में अपॉइंटमेंट हासिल करने का ये शानदार मौका है। शहर कभी मुश्किल नहीं। कई इलाकों में सैकड़ों अपॉइंटमेंट बहुत कम किराओं पर दस्तयाब हैं जिनमें से स्टूडियो अपॉइंटमेंट भी ऐसे हैं जो कम से कम किराए पर हासिल किए जा सकते हैं। एक पंजाबी कंसल्टिंग फर्म एस्टको की जानब से बताया गया।
आज तो यूए के अंदर न्यू कोरोना केसेस आए हैं, उनकी तादाद है 1311 और माशाल्लाह से तो आज ठीक हुए या शेजाब हुए उनकी तादाद 1495 अफराद है। माशाल्लाह से दिन ब दिन कोरोना के इजाफे में कंट्रोल आ रहा है और दुबई में बहुत जल्द दोबारा से कोरोना के जो केसेस हैं वो वापस आना शुरू हो गए हैं।